हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज सोनकर। आई वेलकम यू टू द चैनल पाथ टू सक्सेस। अगर आप हमारा ये लेक्चर देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हमारे ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा बन चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे यूनिट वन, जिसमें हम सबसे पहला थिंकर यानी कि कार्ल मार्क्स डिस्कस करने वाले हैं। मगर शुरुआत करने के पहले आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जिससे कि जो भी लेक्चर मैं आपको देता हूं उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा आप लोगों को मिल सके। तो क्या करना, सबसे पहली बात, जब भी आप लेक्चर देखने के लिए बैठेंगे तो पेपर और पेन साथ में लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको की पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है? यानी जैसे आप ऑफलाइन क्लास में करते थे, सेम वही प्रोसेस आपको करना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप लोग अपने एम को अचीव कर सको, आप हमारे ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा, इसका मतलब है कि आपको इंटरनेट का यूज बहुत अच्छी तरह से आता है, वही करना है। हर लेक्चर के बाद आधे घंटे आपको इंटरनेट पे उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें सर्च करनी है, ठीक है? ये दो काम आपको करने हैं। तो शुरुआत करते हैं कार्ल मार्क्स की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स से। तो इनकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट बुक है इकोनॉमिक्स एंड मैनुस्क्रिप्ट, सेकेंड है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, थर्ड है दास कैपिटल, फोर्थ है द जर्मन आइडियोलॉजी, फिफ्थ है द सिविल वॉर इन फ्रांस, सिक्स्थ है वेज लेबर एंड कैपिटल वैल्यू, सिक्स्थ है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। और जो कॉन्सेप्ट हम कार्ल मार्क्स का डिस्कस करने वाले हैं वो है सबसे पहला हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है एलिनेशन, और थर्ड जो हम इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो है क्लास स्ट्रगल, ठीक है? ये तीन कॉन्सेप्ट हम कार्ल मार्क्स के देखेंगे। तो कार्ल मार्क्स जो थे अपने स्टूडेंट लाइफ में दो लोगों से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। कौन थे वो? सबसे पहला हेगेल और नेक्स्ट लुडविग फुअरबैक। ठीक है, लुडविग फुअरबैक और हेगेल, इन दो लोगों से बहुत ज्यादा कार्ल मार्क्स अपने स्टूडेंट लाइफ में इंस्पायर्ड थे, और इनकी थ्योरीज कार्ल मार्क्स की थ्योरी में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म था कार्ल मार्क्स का, इन्होंने ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बोरो किया है हेगेल के डायलेक्टिकल आइडियलिज्म से। ठीक है, हेगेल के डायलेक्टिकल आइडियलिज्म से इंस्पायर्ड होकर के इन्होंने अपना थ्योरी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म डिराइव किया था। अब ये डायलेक्टिकल आइडियलिज्म क्या है? तो हेगेल मानते हैं कि सबसे पहले सोसाइटी में क्या आया, आइडिया, उससे एक एंटी आइडिया जनरेट हुआ। इनसे पूछा गया कि आइडिया से एंटी आइडिया कैसे जनरेट हुआ, तो ये कहते हैं कि आइडिया में ही कॉन्ट्राडिक्शन था। ठीक है, याद रखेंगे कि हेगेल के हिसाब से आइडिया में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कार्ल मार्क्स के हिसाब से मैटर में कॉन्ट्राडिक्शन होता है। आइडिया प्लस एंटी आइडिया से क्या बनता है? न्यू आइडिया। ऐसा कौन कहते हैं? हेगेल। हेगेल के टर्म में देखें तो ये कहते हैं थीसिस प्लस एंटीथीसिस गिव्स सिंथेसिस। अब हेगेल कहते हैं कि जब व्यक्ति, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स जब सोसाइटी में आया तो
लोगों से कम्युनिकेट करना था, तो इसको एक आइडिया आया और इसने लैंग्वेज जनरेट की, ठीक है, यानी लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए जनरेट किया गया। तो ये क्या था, एक आइडिया, लेकिन इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन था। क्या कॉन्ट्रडिक्शन था, कि हम अपने इस लैंग्वेज को बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक पहुंचा नहीं सकते थे। तो इन्होंने स्क्रिप्ट तैयार की, यानी एंटी आइडिया, कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। न्यू आइडिया क्या था, स्क्रिप्ट, यानी ए बी सी डी अल्फाबेट्स तैयार किए गए, यानी लिपि तैयार की गई। तो क्या सबसे पहले आइडिया आया, यानी इंसान ने कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज डेवलप किया, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन था। क्या कॉन्ट्रडिक्शन था, कि वो अपने दूर तक उस लैंग्वेज को नहीं पहुंचा सकता था, तो एक न्यू आइडिया का जनरेशन हुआ, ठीक है। इसी तरह से ये कहते हैं कि ऐसे ही सोसाइटी में स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट होता है, ठीक। अब देखते हैं कि कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं इनकी इस थ्योरी के बारे में। मार्क्स कहते हैं कि हेगेल इज स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, मतलब हेगेल इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, ये कहते हैं मेक हिम स्टैंड ऑन हिज लेग, यानी ये कहते हैं कि हेगेल की जो थ्योरी है ये उल्टी है और इसको हमें सीधी करना है। और इसको सीधी करने के लिए इन्होंने क्या दिया, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, उसी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो मार्क्स कहते हैं कि सबसे पहले सोसाइटी में क्या आया, मैटर। कैसे सबसे पहले ये कहते हैं मैटर आया, ये कहते हैं कि मैटर एग्जिस्ट विदाउट माइंड, वाइल माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। ठीक है, मार्क्स कहते हैं कि मैटर सबसे पहले आया, इसको सपोर्ट करने के लिए ये आर्ग्यूमेंट देते हैं। ये कहते हैं कि मैटर एग्जिस्ट विदाउट माइंड, बट माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। यानी सबसे पहले जब ह्यूमन बीइंग्स इस सोसाइटी में आए तो मैटर पहले ही एग्जिस्टेंस मैटर का था, लेकिन माइंड का एग्जिस्टेंस नहीं था। ठीक है, मैटर को देख करके उनके दिमाग में आइडिया आया, ना कि आइडिया को देख करके मैटर आया, समझ गए। तो ये कहते हैं कि आइडिया बाद में आया, मैटर पहले आया, समझ गए कैसे अपसाइड डाउन है हेगल की थ्योरी, कार्ल मार्क्स समझाते हैं। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ह्यूमन बीइंग्स जब आए तो वो अपनी बायोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि जैसे हंगर, ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, हंटिंग एंड गैदरिंग किया। लेकिन उनके दिमाग में ये हंटिंग एंड गैदरिंग का आइडिया कैसे आया, तो उनके दिमाग में हंटिंग एंड गैदरिंग का आइडिया ऐसे आया कि उनको सामने एनिमल्स दिखे। सपोज कीजिए कि एनिमल्स वगैरह जो है ये मैटर है, ये एग्जिस्ट करते थे पहले से, ह्यूमन बींग आए बाद में, तो ह्यूमन बींग्स ने उन्हें हंट करना शुरू किया। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करते तो क्या ह्यूमन बींग के दिमाग में ये आइडिया जनरेट होता कि हमें इसे हंट करना चाहिए, हंटिंग और गैदरिंग करना चाहिए। अगर प्लांट्स नहीं होते तो क्या वो कुछ चीजें गैदर कर पाते, नहीं कर पाते। इस वजह से कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मैटर पहले आया और मैटर का एग्जिस्टेंस पहले था और माइंड का एग्जिस्टेंस बाद में हुआ। यानी ये कहते हैं कि ये जो थ्योरी है ये गलत है, और ये इस थ्योरी को, यानी हेगल की थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन, आइडिया के कारण स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में चेंजेस नहीं आते, बल्कि ये कहते हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन के कारण सोसाइटी में स्ट्रक्चरल एंड डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होता है तो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते हैं। अब ये कहते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, याद रखिएगा।
force of production plus relation of production makes mode of production. तो ये mode of production कहते हैं कि जो भी चीजें production के काम में आती हैं, ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं कि production is the most basic and fundamental unit of society. यानी जब इंसान ने प्रोड्यूस करना शुरू किया तभी से क्लास का और सोसाइटी का डेवलपमेंट शुरू हुआ. इसीलिए हम लोग कार्ल मार्क्स को इकोनॉमिक डिटरमिनिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं इकोनॉमी डिटरमाइंस एवरीथिंग. यानी प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी डिटरमाइंस एवरीथिंग. तो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है लैंड, इंडस्ट्रीज और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है. तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन दोनों चीज जैसे लेबर है और इंडस्ट्री है, अगर इन दोनों को हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या इंडस्ट्री के होने का कोई मतलब है या लेबर के होने का कोई मतलब है, अगर इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, इन दोनों में कोई रिलेशन ना हो, तो इसी को रिलेशन कहते हैं. ठीक है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन, समझ में आ गई तीनों चीजें. मोड ऑफ प्रोडक्शन के चेंज पे के आधार पे ही इन्होंने सोसाइटी का इवोल्यूशन बताया है. ठीक है, ये कहते हैं कि सोसाइटी में तीन ऐसी स्टेजेस थी जिसमें कि सोसाइटी दो क्लासेस में डिवाइडेड थी. तो सबसे पहला जो स्टेज था वो क्या था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म. प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो पहली स्टेज थी, इसमें ये कहते हैं कि ये क्लासलेस सोसाइटी थी, यानी कि नो क्लास एग्जिस्टेड. सेकंड, ये कहते हैं कि ये सोसाइटी में हंटिंग एंड गैदरिंग होता था. थर्ड, ये कहते हैं कि यहां पे कम्युनिटी ओनरशिप थी. ठीक है, यानी जो भी चीज ये हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे वो कम्युनिटी में सबका होता था. इसका एग्जाम्पल है एक ट्राइबल ग्रुप से ले लीजिए, जो कि प्रिमिटिव ट्राइब्स होते हैं, तो वो लोग सब एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से हंटिंग और गैदरिंग करते हैं. उसमें क्या होता है कि सारे जो कम्युनिटी, जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है, अगर जैसे मान लीजिए कि किसी जानवर का शिकार किया, वो जानवर सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ठीक है, समझ गए. तो उसमें क्या होता है, ये क्लासेस नहीं होती है. कभी भी ट्राइबल ग्रुप्स आप देखेंगे तो क्लासेस नहीं होती है. ठीक है, क्लासलेस होती है और उसमें ओनरशिप जो होती है कम्युनिटी की, उसी को ये क्या कहते हैं, प्रिमिटिव कम्युनिज्म. यानी सबसे पहली स्टेज सोसाइटी की क्या थी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म. यहां पर ये कहते हैं कि सरप्लस नहीं था, नो सरप्लस. अब सरप्लस क्यों नहीं था, क्योंकि हंटिंग गैदरिंग करते थे, अगर किसी जानवर का शिकार किया है तो उसमें लिमिटेशन थी, यानी उसको लिमिटेड टाइम पीरियड में खत्म करना होता था, उसको आप बचा के नहीं रख सकते थे. ठीक है, तो यानी कि यहां पे प्रॉफिट का कोई हिसाब किताब था नहीं, तो सोसाइटी डिवाइडेड नहीं थी, यानी कि क्लासेस नहीं थे. नेक्स्ट स्टेज ये बताते हैं, एंशियंट सोसाइटी. अब ये एंशियंट सोसाइटी में क्या हुआ, तो सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग थी. लेकिन एंशियंट सोसाइटी में आते आते मास्टर्स और स्लेव दो क्लासेस हो गई सोसाइटी में. सोसाइटी अब ये कहते हैं कि ये जो सोसाइटी थी, एंशियंट सोसाइटी, ये डिवाइड कैसे हो गई दो क्लासेस में. तो ये समझाते हैं कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या हुआ कि कुछ लोग ज्यादा स्ट्रांग थे और कुछ लोग वीक थे.
तो जो लोग वीक थे और जो लोग स्ट्रांग थे, जो स्ट्रांगर थे उन्होंने वीक लोगों पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जिनको कंट्रोल किया वो क्या बन गए, धीरे धीरे स्लेव्स बन गए। तो सोसाइटी दो भाग में डिवाइड हो गई, पहले बन गए मास्टर्स, दूसरे बन गए स्लेव। और क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया। मोड ऑफ प्रोडक्शन वहां पे क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग था, यहां पे एमओपी क्या हुआ, स्लेवरी हो गई। यानी जो स्लेव थे वो कमोडिटी बन गए, ठीक है। इन स्लेव्स को ये सेल और परचेस कर सकते थे, यहां तक कि इन स्लेव्स की लाइफ और डेथ किनके हाथ में थी, मास्टर्स के हाथ में थी। यानी ये चाहे इसको मार सकते थे, जिंदा रख सकते थे, या इसे बेच सकते थे, खरीद, बिल्कुल जानवर की तरह, या जैसे हम किसी कमोडिटी को यूज करते हैं इकोनॉमिकली, उसी तरह से ये स्लेव को यूज करते थे, स्लेव की खरीद फरोख्त, खरीद और फरोख्त करते थे। अब थर्ड स्टेज थी फ्यूडल सोसाइटी, इसे हम एस्टेट सिस्टम भी कहते हैं। अब फ्यूडल सोसाइटी, अब समझिएगा, एंशियंट सोसाइटी से फ्यूडल सोसाइटी में हम कैसे आ गए। ये कहते हैं कि एमओपी जो था यहां पे स्लेवरी था, यहां पे मींस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ और क्या हो गया, लैंड कैसे हो गया, यहां पे स्लेवरी थी तो स्लेव से ये लोग धीरे 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 एग्रीकल्चरल लैंड पे काम कराने लगे। फिर क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप हो गया, हॉर्टिकल्चर डेवलप हो गया, तो क्या हुआ, लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। यानी जिन लोगों का लैंड पे कंट्रोल था वो क्या बन गए, फ्यूडल्स। यानी फिर सोसाइटी, ये कहते हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड थी, पहले थे फ्यूड्स और सेकंड थे सर्फ्स। सर्फ्स कौन थे, ये एग्रीकल्चरल लेबरर थे, यानी जो स्लेव्स थे वही आगे चल के एग्रीकल्चरल लेबरर्स बन गए, ठीक है। ये लैंडलेस लेबर थे और फ्यूडल्स के पास टोटल कंट्रोल था लैंड पे, यानी इनकी लैंड पे ये लोग काम करते, ठीक है। यानी कि फ्यूडल सोसाइटी में सरप्लस लैंड जिसके पास थी वो ही राजा था, वो ही बुर्जुआ था। अब आते हैं फोर्थ स्टेज पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टेज थी कार्ल मार्क्स के हिसाब से, वो क्या थी, कैपिटलिस्ट। यहां पे भी सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, सबसे पहले क्या थे, कैपिटलिस्ट और सेकंड लेबर, इंडस्ट्रियल लेबर, ठीक है। यानी बुर्जुआ और प्रोलिटेरियट, ठीक है। कैपिटलिस्ट माने बुर्जुआ क्लास और लेबर माने प्रोलिटेरियट क्लास। यहां पे एमओपी क्या हो गया, यहां पे एमओपी हो गया कैपिटल, इंडस्ट्रीज। यानी जिसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा है वो कौन सी क्लास में आएगा, बुर्जुआ क्लास में, और कैपिटलिस्ट कहलाएगा। और जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या कहलाएगा, लेबर क्लास कहलाएगा। अब ये